जय गुरु। आज हम हेल्थ रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको जानना है और करना भी है, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका हार्ट भी सही रहेगा। आप कभी भी फ़ोन में बात कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए बाएं कानों में बात करने के बाद लेफ्ट ईयर से बात करने के लिए। और जब बैटरी आपका मोबाइल का डाउन हो रहा है या स्विच ऑफ होने वाला है, उस टाइम ना कहीं किसी का फ़ोन रिसीव कीजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि उसी टाइम रेडिएशन लेवल 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। आप कभी भी मेडिसिन ले रहे तो ठंडा पानी मत लीजिए, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा काम भी करेगा। और मेडिसिन लेने के बाद आप तुरंत बेड में लेटे मत, थोड़ी देर बैठे रहिए। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, रात में कम पीजिए, और साथ में शाम को 5 बजे के बाद आप कहीं गरिष्ठ खाद्य या हैवी मील मत लीजिए, क्योंकि हैवी मील आफ्टर सनसेट लेने के बाद आपका डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होने से आपका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, और आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज शुरू हो जाएगा। हम ये सब जानते हैं, हमारा हार्ट को आर्टेरी और वेन से ब्लड आता रहता है, तो किसी भी कारण कोलेस्ट्रॉल के वजह से धीरे धीरे वो आर्टेरी और वेन के अंदर में जमा होना शुरू हो जाता है, और तब धीरे धीरे होके ब्लड स्लो होते जाएगा, और ऐसे टाइम आएगा कि वो ब्लड भी स्टॉप हो जाता है। तो हम ऐसे फूड खाना खाएंगे ताकि वो आर्टरी में वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और वो ब्लॉकेज भी बंद हो जाएगा। ये सब फ्रूट्स है एप्पल, वाटरमेलन, स्पिनाच, टमाटो, अंगूर, पपाया, ऑरेंज, कीवी, पोमग्रेनेट या अनार, हल्दी, चिया सीड्स, ये सब खाने से आपका भी फैट जमा नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहेगा। डेट्स या खजूर में बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स है, तो ये आपको खाने से आपको भूख नहीं लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, और साथ में आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। खजूर या डेट्स में विटामिन B1, B2, B3 और C भी है, और आप इसको रात में भिंगो के सुबह खाने से आपका या जिसी का भी हार्ट कमज़ोर है उसके लिए अच्छा काम देता है। आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। जय गुरु।